वहीं बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक समाप्त कर दी गई। इस बैठक में स्पीकर की अध्यक्षता में इस बैठक को की गई थी, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम समेत कई बड़े नेता शामिल थे। आपको बता दें कि 24 तारीख को अब सत्र खत्म होना था, लेकिन अब 23 मार्च को ही बजट सत्र खत्म किया जाएगा। तो देखिये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 24 मार्च को खत्म होना था बजट सत्र, लेकिन अब 23 मार्च को ही बजट सत्र खत्म कर दिया जाएगा। ये समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन, स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर और कई बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल थे। तो देखिए अब 24 मार्च को खत्म होना था बजट सत्र, लेकिन अब 23 मार्च को ही खत्म करने का निर्णय लिया गया है झारखंड की सरकार की तरफ से, और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया। और ये बैठक विधानसभा के स्पीकर की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम भी समेत कई और भी बड़े नेता शामिल थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रांची से है विपिन। विपिन, क्या कुछ वहां से निकल कर आ रही है, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्षता में आज बैठक हुई, और इस बैठक में जो 23-24 मार्च को बजट सत्र खत्म करने की बात हो रही थी, उसको अब 23 मार्च को ही खत्म कर दिया गया था। और न्यूज 11 भारत लगातार लोगों को दर्शकों को दिखा रही कि किस तरीके से विधानसभा में बीजेपी लगातार हंगामा कर रही है। तो इसके बाद अब बजट सत्र को खत्म किया जा रहा है, क्या कुछ वहां से जानकारी निकल के आ रही है सामने? कार्य मंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई, और इस बैठक में मुख्यमंत्री समेत संसदीय कार्य मंत्री के अलावा जो अन्य नामित सदस्य हैं कार्य मंत्रणा समिति की, उनकी मौजूदगी में इस बात पर सहमति बनी, क्योंकि पूर्व में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को 27 तारीख से लेकर 24 मार्च तक के लिए आहूत किया गया था, लेकिन क्योंकि 24 मार्च को राज्य का सबसे बड़ा पर्व सरहुल पड़ता है, इसलिए पूर्व में ही इस पर चर्चा हुई थी। और आज कार्य मंत्रणा समिति ने इस पर निर्णय लिया है कि बजट सत्र 17 दिनों की जगह 16 कार्य दिवस का होगा, और सत्र अब 24 मार्च की जगह 23 मार्च को ही समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो सदन में गतिरोध उत्पन्न है स्लोगन लिखे टी शर्ट पहनकर बीजेपी के विधायकों के आने से, उस पर भी इस बैठक पे चर्चा हुई, और संभवतः इस बात पर सहमति बन गई है कि जो कार्य संचालन नियमावली है उसके आधार पर सदन की कार्यवाही कल से संचालित की जाएगी, यानी कि जिस वजह से गतिरोध था उसे समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाया गया। अभी जब सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद शुरू होगी तो स्पीकर सदन को विस्तार से बताएंगे कि कार्य मंत्रणा समिति में क्या क्या प्रस्ताव आए और उन प्रस्तावों पर कार्य मंत्रणा ने क्या कुछ निर्णय लिया है। तो जानकारी देने के लिए शुक्रिया विपिन। तो देखिए आज जो बैठक की गई, जिस बैठक में 24 मार्च को बजट सत्र खत्म हो रहा था, लेकिन अब उसको कम करके 23 मार्च तक ही कर दिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।